थी भैया, कोई बात, पानी पानी दो, पानी लाओ। हो जाता है हमारे यहाँ ये अक्सर हो जाता है। अब शो ऐसा ही है कि वो चार्ज अप कर देता है, वो पानी की जरूरत पड़ती है। ये ऐसा ही है, इंजन अगर गर्म हो जाए एक बार तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। आज बात कर रहा था मैं सामंजस्य की, स्त्री पुरुष की। अगर वो रेल का इंजन है पुरुष, तो उसकी जो स्टीम है, जो उसकी ताकत है, वो उसकी स्त्री है। वही मैं बात कर रहा था, बगैर वक्त गवाए कुछ बोलने की जरूरत नहीं मुझे। ज्यादा बोल दूंगा तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे आप ही ने बोल दिया शो में, और नाराज हो जाते हैं, मुझे चेहरे पर नजर आ जाते हैं। नाराज कौन से चेहरे होते हैं, वो चेहरे नाराज हो जाते हैं। बगैर वक्त गवाए अंबर देवी जी आ जाइए, आगे आइए जी। अरे ना आपकी बात ही नहीं कर रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो आज सभी महिलाओं से पहले पुरुषों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। ये बात होती है, सबसे पहले मिलनी चाहिए पुरुषों को जी, क्योंकि महिलाओं के जीवन में अगर जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे समाज में असमानताएं कहीं ना कहीं, उसमें हमारे पुरुष उसके जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को ब्लेम कर रही हूं, लेकिन समाज को बेहतर बना सकते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं और जो हमें देख रहे हैं। तो जब समानता की बात आती है, मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों से छीनकर महिलाओं को दे दो। जो मौके जो, और अभी किसी ने कहा कि एक भाई साहब ने कि आप महिला प्रधानमंत्री बना दीजिए 2024 में, मैं इस बात से, अगर महिलाओं के मुद्दे की बात आती है, महिला नेत्रियां ही कहती, एक कहती है संदेश खरी, एक कहती है महिलाओं की बात नहीं रख पाएंगे, तो महिलाओं से क्या उम्मीद की जाए। हमें चाहिए बेहमस्ते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीचों में और अपने संगठन में हर जगह महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और महिलाओं की समस्याओं को समझकर उसका निवारण करते हैं। उससे पहले कितने प्रधानमंत्री थे जो महिलाओं को एक इंडिविजुअल भी मानते थे, सुप्रीम कोर्ट फैसले आते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस फैसलों को वापस ले। खासतौर से मैं कह रहा हूँ, जितने भी प्रधान है उनकी जो पत्नियां प्रधान है, वो पत्नी प्रधान है, आप प्रधान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब मुझे मालूम है, मैं क्योंकि गांव घूमता हूं इसलिए ये बात उधर की इशारा की गई थी। लेकिन मोदी जी की बात इनको दे दे, चलिए। देखिए पहली बात तो मुझे बहुत अफसोस हुआ अपनी बहन की बात का सुनकर के, मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं, और मणिपुर का ये नहीं गांव उन्होंने। देखिए एक सुनिए सुनिए सुनिए, आप आज कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकते, अगर अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। अगर हम पढ़ लिख गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, लेकिन हमारे मन में डर है कि हम बाहर अकेले नहीं निकल सकते। प्रतीक जी, ये आम आदमी पार्टी जिसका जन्म ही महिला मुद्दा का उठाकर हुआ था, निर्भया कांड को, आज उस पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे, कहते थे महाभ्रष्टाचारी के साथ हम कोई रिश्ता नहीं करेंगे। ये है राजनीति, महिलाओं के मुद्दों को विचारधारा में बना के। देखिए अन्यायकाल, ये अन्यायकाल है। इस समय इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई में वो 100 रुपए का तोहफा दे रहे हैं। मोदी साहब बताइए, 1000 रुपए से ज्यादा सिलेंडर महंगा है, लेकिन 100 रुपए का तोहफा। प्रदीप जी, मैं इनको याद दिलाती हूँ कोरोना काल की बात। जो देश अपने आप को विकसित देश मानते थे, हमने देखा है किस तरह से कोरोना का कहर बरपा वहाँ पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो उसके बाद देखा हमने कि किस तरह से भारत ने कोरोना को हराया। उसके बाद हम बात कर रहे थे G20 की, पूरे विश्व ने देखा कि G20 के अंदर भारत की क्या स्थिति है, भारत को विश्व क्या समझता है। और छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले, छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। आप इनसे पूछिए कि जो बात करते हैं महिलाओं की, एक मिनट, जो बात करते हैं महिलाओं की, आज इन्होंने पैनिक बटन घोटाला। आइए, आपका चांस रह गया। अरे कभी कविता याद है कोई, जब महिला है तो महिला पहले, हाँ जब महिला दिवस है तो फिर महिला मेरी बहन पहले। सही कह रहे हो या डर के कह रहे हो? सही कह रहे हैं, सभी को। हाँ जी, और अगर महिला से डर भी गए तो भी कोई बात नहीं, होगी लौट के तो घर ही जाना है। हाँ जी, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीक जी, जैसे महिला दिवस इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, सभी महिलाएं और पुरुष यहाँ इकट्ठे होके और कितने हर्षोल्लास के साथ मना रहे, मुझे बहुत अच्छा। महिलाएं महिलाओं से लड़ती है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन क्या पुरुष दिवस भी ऐसी ऐसी उत्सुकता, ऐसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा? पुरुष दिवस हो जी, बिल्कुल ही नहीं। महिला सारे पुरुष हाथ उठा दिए, यहाँ पुरुष दिवस होना चाहिए। अरे चलो ना लड़का, हाँ जी,
इन्हें पता भी नहीं है कब होता है, मनाना तो दूर की बात, छोड़िए। ये महिलाएं नेत्रियां जो यहाँ खड़ी हैं, इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भी पुरुष दिवस मनाए और समानता की बात करें, और सभी कुछली महिलाएं हैं उनकी मदद करी जाए। मुझे मुर्मू जी देख करके बहुत अच्छा लगता है, कैसी सुधा मूर्ति का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात बताऊं, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े दुनिया में बड़े नाम वाले हैं, वो उनके पति हैं, लेकिन मैं बताऊं सच में, मैंने कन्नड़ा में उनकी और जो उनकी इंग्लिश की स्टोरीज हैं, मैंने इनको सुना, बोलते सुना, पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपको तो दूंगा मैं, आप पुरुषों की बात करती हैं। नहीं, मैं महिला दिवस पे मैसेज देना चाहूंगी कि पूरे देश में जो हमारी बहन बेटियां जो लाचार है उन्हें आगे लेके आओ, ये नहीं कि वो जो बड़े बड़े औहदों पे बैठी हैं या मंत्रियों की जो बीवियां हैं या उनकी बहनें, बस उन्हें ही आगे लाई जाओ, जो दबी कुछ नहीं, ये सारी महिलाएं नेत्रियां जो बड़े बड़े हैं। इसमें बात जरूर करूंगा जी, मैं सबसे पहले मेरी सभी बहनों को महिला, तुम्ही सारी कलाओं में तुम ही चंद्रमा हो। अब सुनिएगा, नहीं नहीं आज कुछ नहीं, आज केवल मेरी बहनों का इतिहास को यदि उठाएं तो शायद जल्दी कभी कभी नहीं, टाइम नहीं है, जल्दी सबका सर जो है गर्भ से उठे, तब चार पंक्ति पढ़ता हूँ इतिहास से और आप समझ जाएंगे। सब लोग काबिल हैं यहाँ पे। हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, सौंदर्य की व्याकुलता बोलो कौन हारता, यूं ही हंस हंस कर निज प्राण त्याग कर, वीरता की परिभाषा बोलो कौन करता, तो डूब जाती वो भी घर प्रेम के संदेश में, तो बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता, तो बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता, और होती नहीं राष्ट्रभक्ति घर हाड़ी रानी जैसी, कि होती नहीं राष्ट्रभक्ति घर हाड़ी रानी जैसी, तो थालियों में शीश काट काट कौन हाड़ी रानी, हाड़ी रानी का बात बता रहे थे ये जी। मैं हाँ जी, अरे बोलो भाई, क्या नाम है? करण, करण, करण। मैं ये जो मैम ने ब्लू ड्रेस डाली है, इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ब्लू ड्रेस डाली है, हाँ, मतलब बिल्कुल ही इसमें यूजलेस बात करी थी, जो अभी मोदी जी के अगेंस्ट इन्होंने बोला ना कि महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं कर रहे, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया कि आप सीपी में खड़े होकर चीख चीख के मोदियों को गाली पक रहे हो, अपने पीएम को। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक महिला होके अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली पक रहे हो, फिर भी पूरा वर्ल्ड वाइड नमन कर रहा है हमारे मोदी को, आप गालियां निकाल। हाँ जी बोलिए सर। भारत की जनता, भारत की जनता मोदी जी को क्यों चाहती है और मोदी जी से क्या चाहती है, और ये जो हमें अंधभक्त कहते हैं, चार लाइनें देखो, चाहता ही सुनाना तो सुनाओ। बिल्कुल जी। कोई अंधभक्त कहता है, ये सुनो, ये तर्ज जो है ना कुमार विश्वास जी की है, नहीं अपनी तर्ज बनाओ जी, सुनाओ। और चार पंक्ति और मेरी बहनों के लिए, अपनी अपनी कविता बनाओ और अपनी तर्ज बनाओ। हाँ जी, हाँ। कि भारत की आन है तू, भारत की शान है तू, भारत की बेटियां भी बलिदानी हो गई, तो शत्रुओं के वक्ष फाड़ सिंह सी लगा दहाड़, भारत की बेटियां भी मर्दानी हो गई, कर्ण के जैसा कोई मानक दानी नहीं, कर्ण के जैसा कोई मानक कोई दानी नहीं, भारत की बेटियां भी हाड़ी रानी हो गई, और मांग का सिंदूर दान कर कर ये महान, भारत की बेटियां भी महादानी हो गई। आज नहीं, आज नहीं जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो सिलेक्टिव अप्रोच है सिर्फ अपनी सरकारें बनाने की, अगर आप भारत बनाने की कल्पना करें तो आप कभी सोच पर ना आए तो संदेश खाली की महिलाएं भी उतने ही मान सम्मान है जितनी की मेरी मणिपुर की महिलाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत घर से लेके आज जो आप मणिपुर में अमित शाह जी ने बोला है मणिपुर में, तो आप हमारा दिल, बहन जी मेरा ना, बहन जी मेरा दिल घबराने लगता है, लगता दिल बैठ जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? चांदनी। चांदनी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बड़ा अच्छा नाम है और आपको बहुत बहुत शुभकामना। मैं बोलो क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी राजनीतिक पार्टी से हमारी जो महिलाएं बहनें आई हैं, क्या ये अपने शीर्ष नेतृत्व तो ये कहेंगी कि जिन लोगों के ऊपर महिला उत्पीड़न के आरोप है उनकी टिकटें काटी जाएंगी या नहीं काटी जाएंगी? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट जी। बोलो, ये जो महंगाई की बात अभी कर रहे थे, 2012 में 2012 में 900 रुपए का सिलेंडर था, जिसमें रेणुका चौधरी जी का एक बयान था कि आप इतने गरीब है कि 900 रुपए का सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते, ये कांग्रेस की नेत्री रेणुका चौधरी जी के बयान था। आज के समय में, आज के समय में बेटियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं से बचाने की जरूरत है।
बार बार जो ये मणिपुर की बात कर रही है तो मैं बता देती हूँ कि इनको स्पीड से लेना देना है या एक्शन से लेना देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज को नहीं कह सकते हैं। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने एक्शन भी हुआ है, वो अरेस्ट भी हुए हैं 24। मैं सबसे पहले तो ये अपना आम आदमी पार्टी का, अरे अरे बहुत बढ़िया है वो, आम आदमी का सपोर्ट करने वाली बहन से बोलना चाहता हूँ। जो ये महिला हक की बात कर रही है ना, 2014 से पहले का ग्राफ उठा के देखें, कितनी महिलाओं को आईएएस बनाया बनी थी, कितनी फौज में गई थी। जी, रगों पे तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बहुत अच्छा भाई, कहीं जवाब दिया था कि बहुत छोटा सा जवाब। नारी